अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहत खान, वाइस प्रिंसिपल बुरहानी कॉलेज। बहुत बहुत अच्छा लगा आरिफा खानम साहिबा के खैरात सुनकर। मीडिया का रोल हमारे आज के समाज में बहुत बहुत ज़रूरी है, और एक मैं क्या कहूँ कि यंग ब्लड इन मीडिया इज़ नीडेड। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी, इन्होंने कहा कि हर दाढ़ी और टोपी वाले को एक विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, उसी तरह से हर बुरके वाली को जाहिल समझा जाता है। ये मैं हर वक्त इस दौर से गुजरती हूँ। मैं ये कहूँगी, बाज़ वक्त बहुत ह्यूमिलिएटेड, बहुत इंसल्टेड महसूस करती हूँ कि मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, और जब वो कोई मुझसे मुखातिब होते हैं तो फिर उर्दू बोलने लगते हैं कि आप कहाँ से, अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से। तो क्या कोई बुरके वाली तालीम याफ्ता नहीं हो सकती, या तालीम याफ्ता होने के लिए मुझे अपना अपने आप को तालीम याफ्ता साबित करने के लिए अपना बुरका उतारना पड़ेगा? फिरोज साहब, मैं भी जोगेश्वरी से हूँ। तो एक बात ये मुझे पॉइंट मैंने नोट किया जब आरिफा बात कर रही थी। दूसरी बात ये है कि मीडिया से मीडिया में ऐसे नए खून की ज़रूरत है, और एज अ टीचर हमारी इंस्टीट्यूट जो है, हमारी बुरहानी कॉलेज में मीडिया स्टडीज़ हैं, मगर जब हम बच्चों को बताते हैं कि वो ज़माने लद गए जब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास नहीं थे, आप लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं, मीडिया स्टडीज़ में जाइए, मीडिया को नए खून की, और अपनी हालत मैं खुद सुधार सकती हूँ, मैं किसी दूसरे को क्यों कहूँ कि मुझे आके सुधारो। तो अगर मुसलमानों के ऊपर हम समझ रहे हैं कि मीडिया मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो हम जाएं ना उस तरफ और अपनी हालत को सुधारें ना हम। मगर बड़ा अफसोस ये होता है जब अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये तो गैर इस्लामी है, ये हम फरूख बाजी प्रिंसिपल हैं और हम लोग जब एडमिशन में बैठते हैं तो यही होता है कि मीडिया, नहीं नहीं मैम मीडिया के लिए मत कहिए आप, क्योंकि मीडिया जो है ये गैर इस्लामी। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये समझ में आता है मीडिया मतलब टीवी और फिल्म्स, इसके अलावा इनको, इनके समझ में तो हमें उस ग्रास रूट लेवल में जाकर उनको बताना पड़ता है कि ये मीडिया सिर्फ ये नहीं है, सहाफत, जर्नलिज्म, जिसे हमारी सोसाइटी को ऐसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, तब तो हमारे अंदर बदलाव आएगा। और मैं इस बात से भी अग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बाहर निकलकर सब भूल जाएंगे, नहीं। हम लोगों के पास जो मुसलमान बच्चे आते हैं, एक और बात से मुझे एतराज़ हुआ था कि सेग्रीगेशन को ना सपोर्ट किया जाए। हमारी इंस्टीट्यूशन में लड़के और लड़कियां अलग पढ़ते हैं, और कुछ बच्चियां विरार से, वसई से, उरन से भी आती हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ लड़के लड़कियां अलग पढ़ते हैं, वरना वो बच्चियां तालीम से महरूम रह जाती। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि सबर्ब्स में भी ऐसी एक कॉलेज होनी चाहिए जहाँ साथ साथ एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियाँ, मगर अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स जो ये बिल्कुल एक है, एक ग्रुप है जो चाहता है कि लड़के और लड़कियां मिंगल ना करें, तो वेल विद इन देयर राइट्स, ठीक है, उनकी वो सोच सही है। अगर मुझे एतराज़ नहीं है कि मेरे बच्चे लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें, तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स। मगर अगर कोई चाहता है कि हमारे लड़के लड़कियां मिंगल ना करें, तो इवन दे आर वेल विद इन देयर राइट्स। मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरे वालिद ने मुझे कॉलेज नहीं भेजा सिर्फ इसलिए, केसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था मैंने, मगर मेरे वालिद ने मुझे वहाँ से निकाल दिया क्योंकि लड़के लड़कियां साथ पढ़ना उनको गवारा नहीं था। 3 साल मैं घर में, कोई वो कि मैं इतनी दूर से आती हूँ, मुझे आप ये सहूलत, कुछ नहीं। लाइक ऑल द स्टूडेंट्स शी वॉज देयर एवरी डे। तो मैं ये चाहूँगी, इनफैक्ट मैं ये बताना चाह रही थी मीडिया स्टडीज़ की अहमियत आज के दौर में। और हम लोग घर जब लौट कर जाएं, तो अपने बच्चों को सिर्फ इन स्ट्रीम्स की तरफ ना ढकेलें, इस स्ट्रीम की भी अहमियत का एहसास दिलाएं कि वहाँ पर सिर्फ नाच और गाना नहीं है, और बहुत कुछ अकल की बातें होती मीडिया में, जो कि अभी हमें आरिफा साहिबा ने बताया। शुक्रिया। समीरा खान जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम है समीरा खान, मैं जर्नलिस्ट हूँ और रिसर्चर हूँ, और मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जर्नलिज्म मास्टर्स लेवल पे पढ़ाती हूँ। ये जो आप दोनों ने कही कि बहुत ज़रूरत है कि मुसलमान आए मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया में, टेलीविज़न, प्रिंट में हो, ऑनलाइन मीडिया हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऑल और दबके के लोग भी आएँ, जैसे कि आई थिंक दलित्स का प्रेजेंस भी मीडिया में बहुत कम है, मेनस्ट्रीम मीडिया, इंग्लिश मीडिया में बहुत कम है। न्यूज़ रूम शुड रिफ्लेक्ट ऑल काइंड ऑफ डाइवर्सिटी व्हाट इज़ अवेलेबल इन सोसाइटी।
So you cannot cover things in society if your newsroom is not diverse. My newsroom phir bhi काफ़ी अपर कास्ट है, वेरी हिंदू डोमिनेटेड है. थिंग्स हैव चेंज इन लास्ट 15 ईयर्स. यू सीइंग मच मेनी मोर मुस्लिम बायलाइंस, मुस्लिम प्रेजेंस ऑन टेलीविजन एंड प्रिंट. बट इसका बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और अपनी प्रेजेंस नोट करें. ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान जब आएँ सिर्फ मुसलमान इशूज़ पर लिखें, लेकिन प्रेजेंस जो आपकी होती है न्यूज़ रूम में, टू पार्टिसिपेट न्यूज़ रूम डिबेट्स, द वे द एडिटोरियल डिबेट गोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So it's not necessary every Muslim reporter has to report on Muslim issues. आप अलग अलग issues भी करें, business पर लिखिए, education में लिखिए, लेकिन ये उनकी presence जब होती है कि जब ये editorial debates होती हैं, if you have अलग अलग किस्म के लोग, वो दूसरा perspective लाते हैं कि आप मुसलमानों को ऐसे भी देखिए, ये अलग issues को भी देखिए. और ये जो भी वो भी बात हुई कि मुसलमानों को हम बिल्कुल stereotypical image में देखते हैं, journalists को ज़्यादा जानकारी नहीं है. The problem है कि Muslim society को ज़्यादा understanding नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में और आई सपोज रेगुलर सिविल सोसाइटी में. तो ये आइडिया कि एक मुस्लिम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी का है, एक होमोजीनियस मुस्लिम आइडेंटिटी जो दी जाती है, ज़्यादातर मुसलमानों को सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन मुस्लिम को कवर किया जाता है. अगर किया जाता है तो वही कि जैसे मुसलमान मलयालम नहीं बोलते या यू नो तेलुगु नहीं बोलते, अलग अलग प्रांतों से नहीं आते, अलग अलग क्लास अलग इशूज़ हैं उनके. और तो ये होमोजीनियस मुस्लिम आइडेंटिटी और स्टीरियोटाइपिकल इमेज ऑफ यू नो द क्रिमिनल और द टेररिस्ट, ये बहुत डोमिनेट करता है. और सिर्फ जब ये मुस्लिम इशूज़ ऐसे आते हैं उनको फिर मुस्लिम्स को हम लोग कंसिडर करते हैं कि मेक श्योर कि टीवी पैनल में एक मुस्लिम तो हो. इफ़ मैंने देखा है कभी दो मुसलमान नहीं, दो मुस्लिम यू डोंट नीड, वन इज़ फाइन, यू नो. सो आई हैव एक्चुअली सीन पीपल टेकन ऑफ यू कम फॉर अदर पैनल के यू नो दैट इज़ यू वी विल हैव रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट. सो ये है कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी फोकस सो मच ऑन द मुस्लिम्स इन मुस्लिम इशूज़ और ये और मुस्लिम पर्सनल लॉ पे ओवर एम्फोसिस किए जाए थे, एज इज दैट्स द ओनली इशू दैट मैटर्स. एजुकेशन पे, वर्क पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, हेल्थ पे वी डू नॉट कंसिडर मुस्लिम्स मुस्लिम्स एज एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो जैसे कि आप रेगुलर स्टोरी कर रहे हैं हेल्थ पे, या आप एजुकेशन पे कर रहे हैं, या फार्मिंग पे कर रहे हैं, आप यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस अक्रॉस क्लासेज एंड अक्रॉस कम्युनिटीज. सो यू कैन रेगुलर मेन स्ट्रीम स्टोरीज में अलग अलग वॉइस होनी चाहिए और मुसलमानों की वॉइस होनी चाहिए उसमें, सिर्फ मुस्लिम इशू पे नहीं. ये नहीं कि हम सिर्फ टीवी पे पैनल कर रहे हैं तो मुस्लिम इशू पे तो हम मुसलमान को लाएंगे, रेगुलर इशूज़ पे उनकी अनलेस इज समवन रियली ऑफ अ सर्टेन स्टैंडिंग. तो दैट मुस्लिम्स हैव पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन अदर इशूज़, उनको लाना चाहिए. एंड समहाउ आई डोंट नो, ये बहुत ये प्रॉब्लम है कि मीडिया बहुत फैल गया, बड़ा हो गया है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू, जैसे कि मैं कहते हैं दे डोंट नो इनफ अबाउट मुस्लिम, दे डोंट नो इनफ अबाउट दलित्स, दे डोंट नो अबाउट इशूज रिलेटेड, जैसे मीडिया की सिर्फ यंग पीपल शुड नॉट कम इन, बट आई थिंक सीनियर जर्नलिस्ट नीड टू बी रीट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी एंड द चेंजेस इज गोइंग थ्रू. वो समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट हम सीनियर तो हम किसी चीज़ पर भी लिख सकते हैं विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, विदाउट रीट्रेनिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग. So somehow there's need and I'm a part of a group called Network of Women in Media where we're trying to do this skill based ke hum retrain kare. Aap you've been a journalist for 3 years 5 years but you need to be trained, even senior journalist you need to be retrained understanding the constituents you're covering and the issues you're covering. So retraining ki bhi zarurat hai, aise nahi ki at 20 you finish journalism and now you're the king and you sort of know all the issues. So Indian society is very complex, you need to be abreast, and many journalists unfortunately are not abreast of issues. Thank you. नहीं जी प्लीज, थैंक यू. हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आरिफा, थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली सुपर वंडरफुल. मीडिया की ताकत तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एच्ड हो गई, जब फोर्थ एस्टेट ने वो कर दिया जो अब बकिया 3 एस्टेट मिलके नहीं कर पाई थी. तो इस वक्त भी मीडिया बहुत पावरफुल है और आने वाले दिनों में और पावरफुल होगा. ये दिस इज़ बेसिकली रिफ्लेक्शन. आई डोंट नो हाउ फार इट विल बी सक्सेसफुल, बट विद एवरीबडी सपोर्ट इट मे बिकम अ रियलिटी. जो मुसलमानों की स्टीरियोटिपिकल इमेज है उसकी तब्दीली के लिए एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूरी होनी चाहिए, जिसमें मीडिया बहुत साथ दे सकता है. ये एक ज़माना था जब हर मुसलमान नवाब था, याज था, कोठों पे जाता था और गजरे एंड पान एट्सेट्रा एट्सेट्रा.
अब तो वो भी नहीं, इस लायक भी नहीं रह गए हम लोग कि वो सब कर सके. तो एज अ रिजल्ट आपको कोई मुस्लिम सोशल सीरियल नहीं दिखेगा, कोई मुस्लिम सोशल फिल्म नहीं दिखेगी. तो पहले कम से कम रोते भिड़कते जैसे भी थे आते तो थे सामने, लेकिन अब तो वो भी बिल्कुल उससे भी दूर हो गए. तो कहीं कोई चैनल ऐसा जहाँ के ऊपर ये इंसर्शंस हो सके कि मुसलमान सोचता भी है, स्पीक अप करता है, उसके भी तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, और कम से कम हम लोगों के पास ज़बान की ताकत तो है. अगर और कोई ताकत ना हो तो ये तो बहुत है. और क्योंकि हिस्ट्री की स्टूडेंट हो इसलिए बार बार हिस्ट्री की मिसालें दूंगी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने स्पीकअप का कॉन्सेप्ट दे के और मुसलमानों के पास अल्फाज की ताकत दे के, ये दो चीज़ें अगर मिल जाए तो लगता है कि हम लोग काफ़ी तब्दीली ला सकते हैं. और क्योंकि आप समीरा जावेद साहब, आप लोग बहुत सारे हमें नोन फेसेस जर्नलिस्ट दिख रहे हैं, तो उससे उम्मीद बनती है. और फिर जैसे कि फरद बीबी ने कहा कि हम लोगों का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट भी है मीडिया स्टडीज़ का, वो इस्लामी गैर इस्लामी का तो चक्कर चलता रहता है उसमें, लेकिन ज़रूरत है किसी चैनल की. और फिर पाटन का साहब कहते हैं कि फिर मौलाना जो है फिर से हमें हलाल और हराम के मसले में डाल देंगे, वो फिर से कहेंगे. देखिए, स्टीरियोटाइप्स को मैंने समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा स्टडी भी किया कि स्टीरियोटाइप होता क्या है एक्चुअली. एक तो आपकी बहुत उस बात से मैं अग्री करती हूँ कि चाहे आप मुस्लिम अफेयर्स कवर करें ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि तलाक निकाह या फॉर दैट मैटर एनी थिंग यू नीड अ मुस्लिम जर्नलिस्ट टू कवर. दो जर्नलिस्ट और एडिटर्स दे गिव द आर्ग्यूमेंट दैट दे व्हेन सिंस दे आर अ वेरी सेंसिटिव इशूज, वेरी सेंसिटिव बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड देम सो दे बिकम सेंसिटिव. इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है कि उसको अच्छे से एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैंडल करे. हालांकि ये भी स्टीरियोटाइपिंग है. आई बिलीव दिस इटसेल्फ इज़ अ मेजर स्टीरियोटाइपिंग. व्हेन आई वाज अ न्यूज़ एंकर एंड आई वांटेड टू रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुशी से मुस्लिम अफेयर कवर करना चाहती थी. उसके लिए एक बहुत मेच्योरिटी की ज़रूरत थी एंड आई वॉज जस्ट अ 20-year-old गर्ल. मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन आई वॉज यू नो पुट इन टू कवरिंग मुस्लिम अफेयर्स कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ठीक है फलां चीज़ कर लाइए, फलां कर लाइए. मुस्लिम वेमेन पे सबसे पहले मुझे कहा गया, जबकि मुझे समझ में भी नहीं आता था जब ये क्या इशूज़ हैं, इनके क्या चीज़ें हैं. मैं खुद एक फ्रेश ग्रेजुएट थी. तो खैर, इसी तरह ये शुरू हुआ स्टीरियोटाइपिंग. एक्चुअली ये स्टीरियोटाइपिंग सोसाइटी से मीडिया में आती है. व्हेन वी डोंट नो इनफ अबाउट अ पर्सन और अबाउट अ सोसाइटी एंड ग्रुप, देन वी टेंड टू स्टीरियोटाइप थिंग्स. ये तो एक डेफिनेशन हुई कि इसलिए हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं. मीडिया की मजबूरी क्या है स्टीरियोटाइपिंग करने के पीछे? एक्चुअली अगर मैं टीवी की बात करूं तो अगर मुझे आप ये कहें कि मुस्लिम औरतों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, द फर्स्ट थिंग आई विल यू नो स्टार्ट डूइंग इज सर्चिंग फॉर वुमेन वेयरिंग बुरका, बिलीव मी, बिकॉज दैट्स हाउ द सोसाइटी नोज देम. माई मीडियम डज नॉट अलाउ मी टू एक्सपेंड इट, टू एक्सप्लेन इट. इट डजंट हैव टाइम, इट डजंट हैव स्पेस. You know, the market doesn't allow me to say things for 3 hours. That first I say, okay, burqa wearing women and non-burqa wearing women, or probably some high society women with Muslim names. तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है. मुझे अगर मैक्सिमम कोई चीज़ करनी है, मुझे आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री में 18 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें मुझे पूरे हिंदुस्तान का की औरतों के सारे मसाइल के बारे में सब कुछ कह देना है विदिन 18 मिनट्स. सो आई वाज लिसनिंग टू शाहरुख खान जब उसकी फिल्म माय नेम इज़ खान आई थी, तो उसमें उसे पूछा कि स्टीरियोटाइप में फिर सवाल हो रहे थे. बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट था उसका, हालांकि ये एक तरह का स्केपिज्म है, आई अंडरस्टैंड दैट. ही सेड कि अगर माय नेम इज़ खान में रिजवान खान को टोपी क्यों ओढ़ानी पड़ी. सबसे पहले एक फिल्म मेकर जैसे ही फिल्म बनाना शुरू करता है, उसके एक मुस्लिम कैरेक्टर, क्योंकि मेन कैरेक्टर नहीं होता वो, और वो मुस्लिम कैरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि वो मुस्लिम होता है और उसकी मुस्लिमनेस का कोई लेना देना होता है उस फिल्म से. मतलब ही कैनॉट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन डूइंग एन ऑर्डिनरी रोल, ही हैज़ टू बी मुस्लिम एंड उसकी मुस्लिमनेस एक पार्ट है उस स्क्रिप्ट का. तो वो सबसे पहले जाएगा और उसने मस्जिद में या तो गए या मस्जिद में भी नहीं गए, तो वो सजदे से उठ रहा है, टोपी उसने ओढ़ रखी है, ऐसे करके उसने अपने हाथ फेर लिया मुँह पे, तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये मुस्लिम है और ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है. नाउ आई कैन गो फर्दर विद माई स्टोरी. सो यू नो टेलीविजन एंड मीडिया एज इन फिल्म्स एंड टीवी दे डू नॉट अलाउ यू टू एलिबरेट. तो मुझे अगर कहा जाएगा कि मैं कोई स्टोरी करती हूँ, माना सपोज यू नो मुस्लिम वोट्स पे मैं बात करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि सबसे पहले जाके मुझे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो जामा मस्जिद चले जाऊँगी और वहाँ बहुत सारे क्लोज लॉन्ग शॉट सारे इकट्ठे किए अपने पास और सबसे पहले एक अच्छे नाइस शॉट से शुरुआत कर ली. कोई रिलीजियस इशू की अगर बात आई है तो सबसे पहले मैंने अजान का जो है वो एक एम्बियंस लगाया, वो आवाज़ लगाई और उसके बाद फिर मैंने दिखाया कुछ लोग सजदे से उठ रहे हैं,
that makes a very beautiful picture, and I'm half done with my job, you know. So sometimes ये बहुत सुनने में बहुत मजाक लगता है, लेकिन sometimes हमें खुद पता नहीं होता कि हम खुद स्टीरियोटाइप कर रहे होते हैं चीज़ों को. तो थोड़ा सा जर्नलिस्ट को माफ़ करें और थोड़ा सा उन्हें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है दरअसल, और उन्हें बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझने की जिम्मेदारी दी जाती है, और मशीनों पे सारा बेस्ड जर्नलिज्म है टेलीविज़न का, तो हमारे पास पढ़ने का वक्त भी नहीं होता. यकीन जानिए कभी कभी मुझे अगर पढ़ना होता है, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ. अभी मैंने 1 घंटे का एक शो किया अम्बेडकर पर, और 21वीं सदी में अम्बेडकर को समझना, वो भी 6 पैनलिस्ट एंड ऑडियंस के साथ, एंड मी बीइंग विद माय आइडेंटिटी, आई शुडंट बी सेइंग समथिंग विच यू नो हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अनदर कम्युनिटी. फिर ऐसा नहीं है कि मेरा ऑडियंस सिर्फ दलित है और मुसलमान है, मेरे ऑडियंस में तमाम डाइवर्सिटी है, और ये यू नो पार्लियामेंट का चैनल है. सो आई हैड टू बी रियली रियली केयरफुल. मैंने 4 बजे सुबह उठकर 12 बजे तक पहले पढ़ा, उसके बाद शो किया. सो थोड़ी सी उन्हें थोड़ा सा माफ़ करें, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उनके लिए रहिए कि वाकई इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो थोड़ी बहुत वो मुश्किल आप लोगों की ज़िंदगी में भी डाल देते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच अरफा. वन फाइनल कमेंट फ्रॉम डॉक्टर ज़ीनत, एंड देन वी देन द फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स. बट दोज़ ऑफ अस हु वांट टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, वी कैन डू सो आफ्टर लंच, बट फॉर द मोमेंट इट्स. Thank you so much for your very excellent presentation. You know, there are 2 or 3 things I am very critical of media, and knowing the constraints of media, yet I feel that, you know, the power of the media, for example, in the Second World War, it was a 1 penny press, you know, which was a propaganda instrument. And even today, it is the arm of the government, which is very propagandist. I think that is a point that we have to note, that it has a lot of propaganda attached to it. And therefore, you feel that, you know, the shallowness of the media, you know, it, as you say, you know, you're giving a lecture on Ambedkar. You can't read at 4 o'clock and produce something at 6. It would take me 6 years to do it as a scholar. I wouldn't dare to open my mouth till I wasn't dead sure of what I was saying. So you see, I find that there's a lot of shallowness and hollowness in media. And being the arm of the government, like, for example, I'm watching BBC, I'm watching Al Jazeera sometimes, I'm watching the Indian channels of news, and I do not find, you know, the kind of precision, or I always find a tilt, for example, in Muslim affairs, and especially when it comes to Islamophobia. You see, after 9/11, hundreds and thousands of Muslims in the world, clerics and all of us stood up and said, nonsense, it was wrong. But somehow or the other, that one strand of propagandist media, which has created this entire spurt of Islamophobia, which has unfortunately come into India. And so today, it is extremely difficult to encounter or to counter that kind of a trend, and one cannot escape that it exists. So you see, I think that, you know, media has to concoct some means, you know, and, you know, this kind of 18 minutes time to cover the entire issues, you know, is unfair. And I think as we are looking for space, in space, No, what I mean is, she has to do it, I understand, Javed, but I'm simply bringing this point out, that, you know, when people question, you know, you're talking about making films, we have a Xavier Institute, very often, you know, Muslim women means burqa, parda, this, that, what do you think, so I come on the scene, and when the kind of questions that come to me, and in the 3-minute show that they put up over there, I find it appalling, you know. Sorry, thank you. Also, what about anchoring the show? These days, anchors are also producer of the shows. So suppose I'm supposed to be fixing the audience, the guests, even lights, and I am like in control of the entire thing. So it's going to take me 12 years to produce a show then.